हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म महादेव क्लासेस जोधपुर पर। पॉलिटी की क्लास 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें, जिसमें हमने संविधान सभा के बारे में, प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो अनुच्छेद और संविधान के जो 22 भाग है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और चैनल की प्लेलिस्ट में इससे पहले के वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लें। और शुरू करते हैं आज की क्लास। सभी को नमस्कार। सबसे पहले अनुच्छेद का भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 को हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य मिलकर भारत का निर्माण करते हैं। तो राज्यों का एक संघ का निर्माण होता है। इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरे में दिया हुआ है अनुच्छेद 2 में संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 के तहत यह बताया गया है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश होगा, नए राज्य की स्थापना होगी। यदि कोई बाहर से हम राज्य को अपने राज्य में शामिल करें तो वो सब अनुच्छेद 2 के तहत काम होता है। और इसी के लिए एक उदाहरण है सिक्किम का। सिक्किम संविधान संशोधन के अधिनियम 1974 के तहत अनुच्छेद 2A में सिक्किम को जोड़ा गया। 35वां संविधान संशोधन था। और उसी के बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ, उसके तहत 2A को समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को एक राज्य का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 3 एक नए राज्य की स्थापना और राज्यों के नाम का और नाम में बदलाव करना या राज्य की सीमा में कमी करना या वृद्धि करना, ये सभी आर्टिकल 3 तहत होता है। और आर्टिकल 4 में ये दिया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 जो हमने अभी पढ़ा है, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, उसमें जो कानून है वो अनुच्छेद 4 के तहत संविधान के संशोधन में नहीं माने जाएंगे, यानी कि अनुच्छेद 368 में ये शामिल नहीं किया जाएगा। इसके साथ हम थ्योरी के साथ एक क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या संसद भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को अनुच्छेद 3 के तहत सौंप सकता है? तो इसका आंसर है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संसद ऐसा अनुच्छेद 3 के तहत नहीं कर सकता, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा कि भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश के को अनुच्छेद 3 के तहत सौंप सकते हैं, तो ऐसा ये नहीं हो सकता है, इसके लिए हमें संविधान में संशोधन करना की ज़रूरत होगी। इसके बाद बेरुवादी बनाम भारत संघ 1960 संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरुवादी क्षेत्र पाकिस्तान के में शामिल किया गया। और जो 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ, उसके भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। बदले में बांग्लादेश ने माप 51 क्षेत्र दिए। नेक्स्ट अनुच्छेद से पहले यह है कि भारत के आधार पर राज्यों की मांग के तहत पोट्टू श्री रामुली 56 दिन तक भूखे रहे और उसके बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। सबसे पहला जो राज्य बना था आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को। इसका जो पुनर्गठन 1 नवंबर 1956
1 नवंबर 1956 को हुआ, तो आंध्र प्रदेश का स्थापना दिवस भी 1 नवंबर माना जाता है। इसके आगे हैं धर आयोग। धर आयोग जून 1948 में आया था, और इसका जो अध्यक्ष थे वो एसओके धर थे। और धर आयोग की सिफारिश क्या थी? राज्यों गठन भाषा के आधार पर न हो, राज्यों का गठन भौगोलिक के आधार पर हो, राज्यों को वित्तीय स्थिति के आधार पर हो। और JVP कमेटी 1948 में जे जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभभाई पटेल, पी पट्टाभी सीताभैया 1948 में रिपार्ट बना, अप्रैल 1949 को। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, इसमें डॉक्टर कजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर कजल अली थे और 2 सदस्य KM मणिकर और हृदय नाथ कुजूर। रिपार्ट 1955 के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाए गए, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसकी सिफारिश से 16 राज्य और 3 केंद्र शासित बने राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत। इसके बाद 1953 आंध्र प्रदेश बने, 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को भागों में बांटा, जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात बना, 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब और हरियाणा बना, 1971 में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड, 15 नवंबर 2000 को झारखंड और 2 जून 2014 को तेलंगाना, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख का निर्माण हुआ। जम्मू कश्मीर से एक अलग भाग लद्दाख का निर्माण किया गया 2019 में। इसके बाद आता है भाग 2, जिसमें हम पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो हमारे नागरिकता संविधान में शामिल है, ये कौन से देश से हम इंस्पायर होकर लिया गया है? तो ये है यूके से लिया गया है। यूके के संविधान से नागरिकता को हमारे देश में शामिल किया गया है, जिसमें एकल नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है और कोई नागरिकता नहीं। यदि हम किसी राज्य में रहते हैं या कोई कहीं पर रहते हैं तो हम एक भारतीय हैं, ये हमारी नागरिकता की पहचान है। हमारी नागरिकता को 5 प्रकार से हमें प्राप्त होती हैं। सबसे पहले तो जन्म से, किसी भी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ तो वो भारतीय होगा। इसका अपवाद है विदेशी राजनयिक हुए भारत में जन्मे बच्चे, शत्रु के अधीन किसी भूभाग में जन्मे बच्चे, ये अपवाद में आते हैं। नेक्स्ट है नागरिक संशोधन अधिनियम 1986 के तहत जन्म से नागरिकता के लिए उसके नागरिक हो। और वंश परंपरा, विदेश में किसी व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ हो तो वो भी भारत की नागरिकता होगी। और जन्म से माता पिता में से कोई एक यदि भारतीय हो तो वो भी भारत की नागरिकता माना जाएगा या भारत का नागरिक माना जाएगा। इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992
जिसमें भारत को नागरिकता के आधार पर विदेशी विदेश में जन्मे बच्चों को भारत की नागरिकता का प्रावधान है। एक नोट लिखा हुआ है, 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। ये इम्पोर्टेंट है, नोट के थ्रू हमने लिखा है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत के बाहर जन्मे बच्चे को वंश परंपरा के आधार पर नागरिकता नहीं दी जाएगी। इसके बाद एक और है, जन्म के एक वर्ष के भीतर भारतीय वाणिज्यिक में पंजीकृत कराना आवश्यक है और पंजीकरण हेतु आवेदन करने की तिथि से 5-7 वर्ष तक भारत में निवास करने वाले व्यक्ति होना जरूरी है। ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ परंतु भारत से के बाहर निवास कर रहा है, भारत का नागरिक हो, विदेशी महिला को भारतीय से विवाह कर चुकी हो या करने वाली हो, तो वो उसकी नागरिकता भी भारतीय हो सकती है। राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं, वो भी भारत की ही नागरिकता माना जाएगा। इसके बाद देशीकरण, कोई विदेशी व्यक्ति को स्वेच्छा से भारत की नागरिकता ग्रहण करना चाहता है तो भारत का नागरिक माना जाएगा। भारतीय नागरिकता के आवेदन के एक वर्ष से भारत में रह रहा हो, कुल मिलाकर 11 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, संविधान में उल्लेखित भाषाओं में से किसी का अच्छा ज्ञान हो, तो इससे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाती है। और भूमि अर्जन द्वारा, भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर भारत में विलय किया जाए तो भारत नागरिकता का अंत कैसे होगा, परित्याग, प्रवासन, वंचित किया जाना, इससे भारत की नागरिकता का समापन होता है। वंचित कैसे किया जाता है, संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर, युद्ध काल में शत्रु की सहायता करने पर, इससे हम जो भारत की नागरिकता है उससे व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति शत्रु की सहायता करता है और पंजीकरण या देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश द्वारा 2 वर्ष की सजा पाने पर, लगातार 7 वर्ष तक देश से बाहर रहने, किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, इस प्रकार जो नागरिकता है उससे भारत की नागरिकता का समापन किया जाता है। तो हमने ये जान लिया है कि किस प्रकार से कौन कौन से नियम है जिससे हमें नागरिकता प्राप्त होती है और कौन कौन से वे नियम हैं जिससे हमारी नागरिकता समाप्त भी हो सकती हैं। और नेक्स्ट हम जानेंगे संविधान में नागरिकता संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 के तहत दिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्ति, अनुच्छेद 6 के तहत नागरिकता भारत की मिलती है। 19 जुलाई 1948 में ये समझौता किया गया। और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, इसमें अनुच्छेद 7 के तहत इसमें भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 में दिया हुआ है, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्ति की नागरिकता के अधिकार, जो भारत के बाहर भारतीय रहते हैं, जो
उद्भव करते हैं, उनकी जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 8 के तहत किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ये अनुच्छेद 9 में इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 9, किसी व्यक्ति की नागरिकता संसदीय विधि द्वारा ली जा सकती है, ये अनुच्छेद 9 के तहत बताए गए हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 11, संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के अधिकार अनुच्छेद 11 के तहत बताए गए हैं। नोट लिखा हुआ है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनसंख्या 2021 संचालन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को लागू करने की प्रस्तावना को स्वीकृति प्रदान की है। एनपीआर के कार्य असम को छोड़कर देश के सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में अप्रैल से सितंबर 2020 तक किया गया है। महत्वपूर्ण नागरिकता संशोधन अधिनियम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005। इस प्रकार हमने अनुच्छेद 1 से लेकर 10 तक 11 तक की चर्चा हमने कर ली है। नेक्स्ट अनुच्छेद की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अपनी नेक्स्ट क्लास में अनुच्छेद के आगे के जो अनुच्छेद हैं उनको कंटिन्यू करके हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनुच्छेद के जो संविधान संशोधन अधिनियम है, जो लगभग 123 लमसम अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।